हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा। आज मैं आपके लिए लूसेंट बुक का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको 30+ क्वेश्चंस कवर करेंगे आज हम दोस्तों। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा टारगेट है 900+ क्वेश्चंस का, जिन्हें मैं पार्ट वाइज आपके लिए लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, लूसेंट बुक के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। दोस्तों, मालवा पठार जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, जहाँ की प्रमुख मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? इसका राइट आंसर है कायांत्रित। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है वरुण, यानी कि नेपच्यून, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों, हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह होते हैं, ठीक है, जिसमें से 8वां ग्रह हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? ठीक है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक वर्ड है, इसमें दर्रा, इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं, दर्रा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पासेस, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है पहाड़ों के बीच में जो रास्ता आने जाने का बना होता है उसे हम दर्रा यानी कि पासेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, उसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी, ठीक है। अब दोस्तों, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अंडमान निकोबार जो है वो एक द्वीप समूह है, जो कि कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील जो है वो है वैम्पनाथ झील, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? केरल राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है लूना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इसका राइट आंसर है हरि के बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दोस्तों, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? ये डेनमार्क में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। 17th क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर है आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर, ठीक है। 24 क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के जो सबसे ऊपरी परत दोस्तों होती है उसे हम कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो इसकी सबसे गहरी खाई जो है उसका नाम है जावा खाई, ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारा, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की है दोस्तों? कनाडा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है श्रीधरन, श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? इसका राइट आंसर है 1911 में, 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान कांग्रेस की सरकार में गाया गया था। 29 क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान को कितना समय लगा था तैयार होने में? भारत का जो संविधान है उसको कितना समय लगा था तैयार होने में, ठीक है। इसका राइट आंसर है 2 साल 11 मास 18 दिन में, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसे पूरा तैयार होने में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको जीके लूसेंट बुक के 30+ क्वेश्चंस आज मैंने कवर किए हैं, और इसके आगे के पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।